गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान के ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको मोलस्का संघ के बारे में बताया था। मोलस्का का शाब्दिक अर्थ होता है मॉलिस, और मॉलिस का अर्थ होता है सॉफ्ट एंड बॉडी, जिसका अर्थ होता है कोमलांगी। अर्थात मोलस्का संघ की जंतुओं का शरीर कोमल होता है। इस कोमल भाग पर एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है, जिसे मेंटल कहा जाता है। मेंटल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो इन जंतुओं के शरीर के बाह्य कंकाल के रूप में कार्य करता है। क्लियर बात? देखिए, मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं वो अधिकांशतः लवणीय जल में पाए जाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो स्थलीय भाग पर क्या है पाए जाते हैं। मोलस्का संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है वो चार भागों में बटा होता है। आपको मैंने बताया कि इन जंतुओं का शरीर सिर, पाद, आंतरांग और किसमें बटा होता है, सिर, पाद, आंतरांग और मेंटल में बटा होता है। इन जंतुओं का जो सिर होता है उस पर मुख पाया जाता है, नेत्र पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, और साथ में यहां पर संवेदी अंग भी सिर पर पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर के अधर सतह पर पाद पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि मोलस्का संघ के जंतुओं में पाद अधर सतह पर पाए जाते हैं, और आपको बताया कि ये पाद जो होते हैं वो रेंगने में सहायक होते हैं। पाद जो होते हैं वो जंतुओं को तैरने में सहायक होते हैं। पाद जो होते हैं वो जंतुओं को बिल बनाने में सहायक होते हैं। आंतरांग में सभी प्रकार के अंग क्या हैं पाए जाते हैं, इन जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इन जंतुओं में कौन सी सममिति पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। दूसरा, मैंने बताया इन जंतुओं का शरीर तीन स्तरों से मिलकर के बना होता है, अर्थात ये जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कौन से ब्लास्टिक होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिस्तरीय। अर्थात इन जंतुओं का शरीर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। देखिए, मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं वो अखंडित होते हैं, खंडों में बटे हुए नहीं होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं, और इनके अंदर जो देह गुहा होती है वो साइजोसीलोम प्रकार की देह गुहा इन जंतुओं में पाई जाती है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इन जंतुओं के अंदर, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, आहार नाल होती है, वो विकसित होती है, और उसका आकार कैसा होता है? जू आकार का होता है, जिसके मुख गुहा में रेडुला पाया जाता है। रेडुला में अनेक छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? दांत पाए जाते हैं। देखिए, इनमें श्वसन की क्रिया जो होती है वो गिल्स के द्वारा होती है या पल्मोनरी सेक के द्वारा होती है, मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं उनका जो रुधिर होता है, ठीक है, उनमें रुधिर का परिसंचरण जो होता है वो खुला प्रकार का होता है, और इनमें क्या है, एक विशेष प्रकार का श्वसन वर्णक पाया जाता है, जिस श्वसन वर्णक का नाम मैंने आपको पहले बताया कि इनमें हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, और हीमोसाइनिन वर्णक के कारण इन जंतुओं का रुधिर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। हेमोसाइनिन वर्णक के कारण इन जंतुओं का रुधिर का रंग कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, देखिए, इन जंतुओं में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार के क्या है, इन जंतुओं में उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार के अंग होते हैं, या तो इनमें बौजेनस अंग पाए जाते हैं या कैबर अंग पाए जाते हैं,
या इनमें हम कह सकते हैं उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो मेटानेफ्रिडिया प्रकार की होती है। इन जंतुओं में सर्पिल प्रकार का क्या है, सर्पिल और निर्धारी प्रकार का विचलन पाया जाता है। इन जंतुओं में परिवर्धन जो होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रकार का जो परिवर्धन होता है उसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पाई जाती है, लार्वा अवस्था इन जंतुओं के अंदर पाई जाती है। इनमें वेरिजर नामक लार्वा अवस्था इन जंतुओं में पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया समुद्री नींबू जिसे डोरिस के नाम से जाना जाता है, सेव घोंगा जिसको हम पाइला बोलते हैं, यूनियो है, ठीक है, ऑक्टोपस है जिसे प्रेतमिन के नाम से जानते हैं, लोलीगो है जिसको दैत्य स्क्विड के नाम से जानते हैं। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे किसके अंदर, ये सारे एग्जाम्पल मोलस्क संघ के अंतर्गत आते हैं। देखिए आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा इकाइनोडर्मेटा संघ का एक अंतिम बिंदु है जिस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है इकाइनोडर्मेटा। आइए बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा। देखो इकाइनोडर्मेटा दो शब्दों से मिलकर के बना है। इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, मीनिंग ऑफ इकाइनोडर्मेटा फाइलम। इकाइनोडर्मेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, इकाइनस इकाइनस प्लस डर्मा। इकाइनस का अर्थ होता है स्पाइनी, डर्मा का अर्थ होता है स्किन, स्पाइनी का अर्थ होता है कांटेदार और स्किन का अर्थ होता है त्वचा। अर्थात ऐसे जंतु जिनकी त्वचा कैसी होती है, कांटेदार होती है। अर्थात इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनकी त्वचा कांटेदार होती है। कैसी होती है, कांटेदार त्वचा होती है। देखिए इकाइनोडर्मेटा नाम जो दिया गया था वो जैकब क्लीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। जैकब क्लेन नामक वैज्ञानिक ने इकाइनोडर्मेटा नाम दिया और लामार्क नाम के वैज्ञानिक ने इकाइनोडर्मेटा को रेडिएटा गण, कौन सा गण है, रेडिएटा जो गण है उसे इकाइनोडर्मिस में क्या किया था, वर्गीकृत किया था। आपको बता दें इकाइनोडर्मेटा संघ में लगभग 5500 जाति के जीव पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ में लगभग 5500 जाति के क्या पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा संघ के जीवों के सामान्य लक्षण। कौन से लक्षण बात कर रहे हैं, सामान्य लक्षण, जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा फाइलम। देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के ज्यादातर जो जंतु होते हैं या हम कह सकते हैं सभी जो जीव होते हैं वो समुद्र में पाए जाते हैं। तो अधिकांशतः जंतु कहां पर पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अब जो जंतु समुद्र में पाए जाते हैं अर्थात ये लवणीय जल के अंदर ये जंतु क्या है, पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु होते हैं वो लवणीय जल के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। आपको बता दें कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु होते हैं उनके अंदर प्राय अरीय सममिति पाई जाती है। कौन सी सममिति पाई जाती है, अरीय सममिति पाई जाती है। और इनमें ये अरीय सममिति जो होती है वो वयस्क अवस्था में पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के अंदर द्विपार सममिति भी पाई जाती है। कौन सी सममिति पाई जाती है, द्विपार सममिति पाई जाती है। और द्विपार सममिति जो होती है वो खास तौर से इन जंतुओं के अंदर कब पाई जाती है, केवल लार्वा अवस्था के अंदर द्विपार सममिति इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। देखिए इन जंतुओं की जो द्विगुआ होती है वो एंट्रोसीलोम प्रकार की द्विगुआ पाई जाती है। एंट्रोसीलोम प्रकार की द्विगुआ इन जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है, देखिए इन जंतुओं में मैं आपको बता दिया कि ड्यूटेरियो स्टोमिया होते हैं। कौन से होते हैं, ड्यूटेरियो स्टोमिया होते हैं। ठीक है, देखिए इनके अंदर जो देह भित्ति होती है, ठीक है, वो उस पर कैलकेरियस कंटक पाए जाते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं की जो देह भित्ति होती है उस पर क्या पाया जाता है,
कैलकेरियस कंटक पाए जाते हैं। कौन से कंटक पाए जाते हैं? कैलकेरियस कंटक इन जंतुओं में पाए जाते हैं। देखो इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है वो दो तलों में बटा होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का शरीर कितने तलों में बटा होता है? दो तल में। एक मुखीय तल होगा, दूसरा अपमुखीय तल होगा। मुखीय तल अपमुखीय तल के कैसे होता है? बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। शरीर दो तलों में बटा होता है, एक मुखीय तल होता है और दूसरा कौन सा होता है? अपमुखीय तल यहां पर क्या है पाया जाता है। क्लियर बात है? तो शरीर दो भागों में बटा होता है, मुखीय तल के अंदर और दूसरा बटा होता है अपमुखीय तल के अंदर क्या है बटा हुआ होता है। ठीक है भाई, देखिए इन जंतुओं में श्वसन की क्रिया करने के लिए, ठीक है, श्वसन की क्रिया करने के लिए इन जंतुओं में विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे इनमें बरसी पाई जाती है, या इनमें डर्मक पाए जाते हैं, या इनमें ब्रैंकाई पाई जाती है। तो इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के अंदर श्वसन की क्रिया करने के लिए बरसी है, डर्मल है या ब्रैंकाई जो होती है वो इन जंतुओं के अंदर पाई जाती है। इसमें विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? एक तंत्र पाया जाता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? तंत्र पाया जाता है जिसे जल संवहन तंत्र कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जल संवहन तंत्र जो है वो किन के अंदर पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के अंदर जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इस संघ के जंतुओं की खास विशेषता होती है कि इनमें सिर स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, इस संघ के जंतुओं की खास विशेषता होती है कि इस संघ के जंतुओं में सिर जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या है? भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, या तो ये तारा के आकार के होते हैं, यानी कि जंतु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, या तो तारा के आकार के होते हैं जैसे स्टार फिश होती है, या फूल नुमा आकार के होते हैं, या बेलन के आकार के होते हैं। ठीक है, इनमें देखिए उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है? अभाव होता है। एस्क्रेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन इन इकाइनोडर्मेटा फाइलम एनिमल्स। ठीक है, तो इन जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का क्या होता है? अभाव होता है। इनमें क्या है? एक हीमल तंत्र पाया जाता है। कौन सा तंत्र पाया जाता है? हीमल तंत्र पाया जाता है। हीमल तंत्र पाया जाता है किसमें? इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में। इनमें पाचन की क्रिया जो होती है वो बाह्य कोशिकीय प्रकार का पाचन पाया जाता है। तो बाह्य कोशिकीय प्रकार का इनमें क्या पाया जाता है? पाचन पाया जाता है। बाह्य कोशिकीय प्रकार का क्या पाया जाता है इस संघ के जंतुओं में? पाचन पाया जाता है। इनमें तंत्रिका तंत्र जो होता है वो कम विकसित होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है? कम विकसित होता है, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के जो जंतु होते हैं इनके अंदर क्या है? इनका जो विकास होता है, ठीक है, इनका जो विकास होता है वो ज्यादातर कैसा होता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। तो इनडायरेक्ट प्रकार का, अप्रत्यक्ष प्रकार का इनमें क्या पाया जाता है? परिवर्धन पाया जाता है। कौन सा परिवर्धन पाया जाता है? अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन पाया जाता है। और अप्रत्यक्ष प्रकार के परिवर्धन में इन जंतुओं के जीवन काल में क्या आती है? अनेक लार्वा अवस्था आती है। और लार्वा अवस्था में मैंने आपको बताई बाई पिनेरिया, ये एक लार्वा अवस्था होती है जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। ऑरिकुलेरिया, ये भी एक विशेष प्रकार के लार्वा अवस्था होते हैं जो इन जंतुओं में पाई जाती है। ब्रैंकियोलेरिया, ये भी इन जंतुओं में एक विशेष प्रकार के लार्वा अवस्था होती है। देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतु प्राय यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, और इन जंतुओं में जो निषेचन होता है वो कौन सा होता है? बाह्य निषेचन इन जंतुओं के अंदर पाया जाता है।
कौन सा निषेचन पाया जाता है जंतुओं में? बाह्य निषेचन पाया जाता है। ठीक है, जैसे समुद्री खीरा है जिसको कुकुमरिया के नाम से जाना जाता है, कुकुमरिया। समुद्री खीरे के बाद आता है समुद्री सिताब जिसको सोलेस्टर के नाम से क्या है जाना जाता है। समुद्री अर्चन जिसको इकाई नस के नाम से जाना जाता है, इकाई नस, जैसे सी अर्चिन या समुद्री अर्चिन के नाम से जाना जाता है। केक अर्चिन होती है जिसे क्लाई पीएना के नाम से जाना जाता है, क्लाई पीएना के नाम से जाना जाता है। एक होती है हमारे हृदय अर्चिन जिसको हाइट अर्चिन के नाम से जाना जाता है, जिसे इकाइनोकाइडियम के नाम से जाना जाता है, इकाइनोकाइडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके आते हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के आते हैं। एक बार फिर मैं आपको क्या है इकाइनोडर्मेटा संघ को क्या करने जा रहा हूं, यानी कि आपको संक्षिप्त में एक बार हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए इकाइनोडर्मेटा संघ के बारे में मैंने बताया कि इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ के बारे में बात की, और इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, इकाइनस प्लस डर्मा। इकाइनस का अर्थ होता है स्पाइनी, डर्मा का अर्थ होता है स्किन, स्पाइनी का अर्थ होता है कांटेदार, स्किन का अर्थ होता है त्वचा। अर्थात इकाइनोडर्मेटा का शाब्दिक अर्थ होता है कांटेदार त्वचा। इकाइनोडर्मेटा संघ नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम था जैकब क्लेर, और लामार्क नामक वैज्ञानिक ने ठीक है इकाइनोडर्मेटा को रेडियोटागन से इकाइनोडर्मिस में क्या किया था, वर्गीकृत किया। इकाइनोडर्मिस इकाइनोडर्मेटा जो संघ होता है उसमें लगभग 5500 जाति के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने बताया कि ये जंतु सामान्यतः समुद्र में पाए जाते हैं, या ज्यादातर जंतु समुद्र में पाए जाते हैं अर्थात लवणी जल में पाए जाते हैं। इन जंतुओं के अंदर वयस्क अवस्था में अरीय समिति पाई जाती है, परंतु लार्वा अवस्था में इन जंतुओं में द्विपार समिति पाई जाती है। कौन सी समिति पाई जाती है? द्विपार समिति पाई जाती है। इन जंतुओं में एंट्रोसिलोम गुहा पाई जाती है, कौन सी गुहा पाई जाती है? एंट्रोसिलोम गुहा पाई जाती है। इन जंतुओं की देह भित्ति पर कैलकेरियस कंटक पाए जाते हैं, कौन से कंटक पाए जाते हैं? कैलकेरियस कंटक पाए जाते हैं। इन जंतुओं का शरीर जो होता है वो दो तलों में बटा होता है, एक मुखीय तल और दूसरा होता है अपमुखीय तल। ठीक है, मुखिया और अपमुखीय तलों में बटा होता है, मुखिया और अपमुखीय तल एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीत होते हैं। इन जंतुओं में गमन करने के लिए क्या पाए जाते हैं? नालपाक पाए जाते हैं। ये हमसे रह गया होगा, इन जंतुओं में गमन की क्रिया करने के लिए नालपाद पाए जाते हैं, नालपादों को हम बोलते हैं ट्यूब फिट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गति करने के लिए इन जंतुओं में नालपाद पाए जाते हैं, ट्यूब फिट पाए जाते हैं। इन जंतुओं में एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? तंत्र पाया जाता है जिसे जल संवहन तंत्र कहा जाता है। इन जंतुओं में श्वसन की क्रिया करने के लिए विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे बर्सी है, डर्मल है, ब्रेंकाई है, ये विशेष प्रकार के अंग हैं जिनकी सहायता से जंतु क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इन जंतुओं का जो सिर होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, अस्पष्ट होता है। इन जंतुओं का आकार, मतलब मैंने आपको बताया इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं का आकार या तो तारे के आकार का हो सकता है, या बेलन के आकार का हो सकता है, या फूलदान के आकार का होता है। इन जंतुओं में उत्सर्जन करने के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो अनुपस्थित होता है। इनमें हिमल तंत्र क्या है? पाया जाता है। इनमें पाचन की क्रिया कौन से प्रकार की पाई जाती है? बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की क्रिया इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में नर्वस सिस्टम कम विकसित होता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के अंदर अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होता है, और अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन होने के कारण इनमें अनेक लार्वा अवस्था पाई जाती है, जैसे बाइपिनेरिया या ऑरिकुलेरिया या ब्रैंकियोलेरिया, ब्रैंकियोलेरिया, ऑरिकुलेरिया या बाइपेनेरिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। ये सारी क्या है? लार्वा अवस्था इनमें पाई जाती है।
ये जंतु कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, और इन जंतुओं में निषेचन की क्रिया कौन से प्रकार की होती है? बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, ये सारे करैक्टर किसके हैं? इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं के। इकाइनोडर्मेटा संघ के कुछ एग्जांपल मैंने बताया, जैसे समुद्री खीरा जिसे कुकुमेलिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जैसे समुद्री सितारा जिसको सोलेस्टर के नाम से जाना जाता है, समुद्री अर्चिन जिसे किस नाम से जाना जाता है? इकाइनस के नाम से जाना जाता है। केक अर्चिन है जिसे किस नाम से जाना जाता है? क्लाइपियना के नाम से जाना जाता है। और हाइट अर्चिन है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इकाइनोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, अब तक हम आपको बता दें, हमने नॉन कोऑर्डिनेटा, ठीक है, नॉन कोऑर्डिनेटा, ठीक है, उसको हमने कितने वर्गों में, कितने संघों में बांटा था? 9 संघों में बांटा। नंबर 1 प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटी एलमेंथिस, एस्के एलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और टीनोफोरा। हम यहां पर 10 संघों के ऊपर क्या है आपसे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब हम कोऑर्डिनेटा के ऊपर आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बता दें कोऑर्डिनेटा को 2 महावर्गों में बांटा गया है, कोऑर्डिनेटा को 2 महावर्गों में बांटा गया है, ठीक है। कोऑर्डिनेटा को कौन कौन से 2 महावर्गों में बांटा गया है मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेटा को 2 महावर्गों में बांटा गया है। कल हम कोऑर्डिनेटा पर आपसे बात करेंगे। कोऑर्डिनेटा वे जंतु जिनके अंदर कशेरुक दंड या मेरु दंड क्या है पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलुमन पाया जाता है, बैकबोन पाई जाती है, ठीक है। अर्थात जो जंतु पृष्ठवंशी होते हैं, कशेरुक होते हैं, वो कोऑर्डिनेटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेटा के बारे में हमने आपको बताया, कोऑर्डिनेटा एक संघ है, और कोऑर्डिनेटा जो संघ है इसको कितने वर्गों में बांटा गया है मैंने आपको बताया, 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं चतुष्पादी, और चतुष्पादी को 4 वर्गों के अंदर बांटा गया है। पहला मैंने आपको बताया मैमेलिया जिसको स्तनधारी के नाम से जाना जाता है, दूसरा होता है एबीज जिसको पक्षी वर्ग के नाम से जाना जाता है, स्तनधारी एबीज, उसके बाद आता है रेप्टिलिया जिसको सरीसृप वर्ग के नाम से जाना जाता है, चौथा जो होता है वो मैंने आपको बताया एम्फीबिया जिसे उभयचर वर्ग के नाम से जाना जाता है, चतुष्पादी, और दूसरा होता है, दूसरा महावर्ग होता है पिसीज। कोऑर्डिनेटा संघ को 2 महावर्गों में बांटा गया है, चतुष्पादी, ठीक है, और दूसरा महावर्ग है पिसीज, ठीक है। पिसीज का मतलब होता है मत्स्य वर्ग के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, और चतुष्पादी को 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, स्तनधारी, एबीज, रेप्टिलिया और एम्फीबिया। कई किताबों के अंदर आप पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटा जो संघ है उसको 5 वर्गों के अंदर बांटा गया है, ठीक है, MARAP, ठीक है, इस नाम से हमने आपको बोला मैमेलिया, एबीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और फिशी। तो आने वाले वीडियो में हम सबसे पहले कोऑर्डिनेटा संघ के जंतुओं के सामान्य लक्षण बताएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटा संघ के जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? क्रेनिएटा, नॉन क्रेनिएटा, यानी कि कपाल की उपस्थिति के आधार पर किया गया है। दूसरा हमने जो वर्गीकरण किया है वो जबड़े की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर किया है। तो उन सब बिंदुओं पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय, कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।